हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम दोहरान करेंगे हिंदी की कक्षा में वर्णमाला का। वर्णमाला आपने पहले भी पढ़ी है, आज हम फिर से उसी का क्या करेंगे, दोहरान करेंगे और कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। इसके अंदर देखते हैं आपने कितना सीखा और कितना आपको याद है। देखिए, हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें कितने तरह के अक्षर होते हैं, दो तरह के। ये कौन से हैं हिंदी वर्णमाला के, कैसे कबूतर खैस खरगोश, ये है व्यंजन। क्या है ये? व्यंजन। और दूसरे होते हैं स्वर। आपकी जो बुक है व्याकरण निधि, पुस्तक व्याकरण निधि, उसका जो वर्णमाला का चैप्टर है उसमें दिया हुआ है स्वर। कुछ वर्ण बहुत आसान होते हैं जो अपने आप मुँह से निकलते हैं। ये क्या है, कितने हैं? 11। 11 होते हैं। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं स्वर? ए आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। ये आपने पढ़े हैं और आपको याद भी हैं। व्यंजन भी आपने पढ़े हैं। व्यंजन वर्णमाला में कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कैसे लेके है तक के व्यंजन हैं वो हैं 33। क ख ग घ ये और अंतिम लाइन यहाँ पे है श स स है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब इनके अलावा भी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण होते हैं। इन वर्णों को देखिए क्या क्या कहते हैं हम। अंग अह, ये आपने स्वरों के साथ पढ़े हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। ये हमने पढ़े थे स्वरों के साथ ही, लेकिन ये स्वर नहीं कहलाते हैं, ना ही ये व्यंजन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ना ही तो ये क्या है, स्वर है और ना ही व्यंजन है। ढ़ और ढ़, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है ये ढ़ ढ़, जिह्वा को आप झटके से बोलेंगे ड़ ढ़, इन्हें भी व्यंजन में मिला लिया गया है। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो वर्णों के मेल से बने हैं। कौन कौन से हैं ये हमने व्यंजन में पढ़े थे, क्ष त्र क्य और श्र। ये क्ष त्र क्य और श्र ये कितने वर्णों के मेल से बने हैं? दो वर्णों के मेल से, ठीक है। वर्ण दो तरह के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ये हमने पढ़ा, फिर से आप दोहरान कर लीजिए। वर्णमाला में वर्ण कितने तरीके के होते हैं? दो तरह के, पहले स्वर दूसरे व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। अब देखिए यहाँ पे हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। किसी ने गलती से स्वर और व्यंजन एक ही डिब्बे में डाल दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, आप डिब्बा देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले ए, फिर ई, फिर ओ, मैं, उ, है, बड़ा उ, घ, य, क, स, ग, आ, री से ऋषि, च, र और त। तो आपको पता चल रहा है ना कौन सा इसमें स्वर है और कौन सा व्यंजन है। दोनों एक ही डिब्बे में डाल दिए, हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। क्या करना है? दोनों को अलग अलग, इन्हें छांटकर अलग अलग डिब्बों में डालना है। जिस डिब्बे के नीचे स्वर लिखा है उसमें स्वर डालना है और जिसके नीचे व्यंजन लिखा है उसमें क्या डालना है? व्यंजन डालना है। तो स्वर कौन से हैं? स्वर देखिए इसमें कौन से हैं। ए कौन, क्या है? स्वर। तो ए को हम स्वर वाले डिब्बे में लिख देंगे। ई क्या है? स्वर है। तो ई को भी हम किस में लिखेंगे? स्वर वाले डिब्बे में। यहाँ पे ए लिख देंगे, ई लिख देंगे, इसी तरह जितने भी स्वर है वो लिख देंगे। इसमें हम मैं लिख देंगे, है लिख देंगे। ये कौन सा है? व्यंजन का डिब्बा।
तो आपको ये इस तरह एक्सरसाइज करनी है। ए स्वर है, ई स्वर है, ओ भी स्वर है, ऊ स्वर है और बड़ा ऊ स्वर है। इसमें मैं व्यंजन है व्यंजन है, इधर घ व्यंजन है, यह क ये दोनों भी क्या है व्यंजन है, स भी क्या है व्यंजन है, गय भी व्यंजन है, आ स्वर है तो ये स्वर वाले डिब्बे में आएगा, री क्या है स्वर है तो री भी स्वर वाले डिब्बे में आएगा, च व्यंजन है, र व्यंजन है और त भी व्यंजन है। ठीक है, अब आप समझ गए, आप इनको छांट के अपनी बुक में करिएगा और अगर आपके पास बुक अभी तक नहीं आई है तो अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, अब देखिए खाली स्थान में सही वर्ण लिखिए। अब मैं लिखा है इसमें तो आपको एक शब्द बनाना है, शब्द बनाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपका जो शब्द है वो सार्थक बनना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कम, दूसरा ख के अंदर दिया है हाज तो जय हाज जहाज, तीसरा गय में दिया है र तो र के साथ कौन सा शब्द बनेगा आप खुद बनाएंगे, र के साथ कौन सा शब्द बनेगा। इसी तरह घ में दिया है क और बीच में कौन सा शब्द आएगा, अंत में दिया है ल, बीच में कौन सा आएगा वर्ण मय कमल, कमल बन जाएगा। अब यह के अंदर न और क दिया हुआ है, उससे पहले आप क्या लिखेंगे वो आप खुद लिखेंगे, आप आराम से इसके शब्द बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं बना के बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग स्वर और व्यंजन को छांटिए और उसके बाद में इनसे शब्द बनाइए। ऊपर जो स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं इनमें से ही आपके अक्षर यहाँ पे आ सकते हैं और इनके अलावा भी जो स्वर और व्यंजन के अंदर वर्ण दिए हुए हैं उनमें से भी आ सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई शब्द बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत हुआ है या सही, बस वो शब्द सार्थक होना चाहिए अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। और इसके साथ ही एक वर्कशीट भेजूँगी, वो वर्कशीट करके मुझे भेजिएगा। ओके, थैंक यू।